नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? सुबह के 6 बजे और आपकी डीएलएड की क्लास आपके सामने। कल की क्लास में हम लोगों ने देख लिया था दो से विभाज्यता नियम तक, है ना? दो से विभाज्यता नियम तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे आज हम पढ़ेंगे तीन से विभाज्यता नियम। देखिए, जैसा कि हमारा चैप्टर दूसरा चल रहा है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथ, यानी कि सेकेंड और फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, लगभग कोर्स वही सेम है, ठीक है, सिलेबस वही है। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोग देख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए ध्यान रहे, ये दूसरी क्लास है। और दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। कौन सा था वो दूसरा चैप्टर का नाम भाई? जो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त पर आधारित है, यानी कि तीन अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसमें आप लोगों ने भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, समापवर्त पढ़ लिया और अब भाजकता नियम चल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे तीन से विभाज्यता नियम। जैसे अगर कोई संख्या आपको यहाँ पर दी गई है, ये ऐसे दे दिया गया, ऐसे दे दिया गया, और अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो तीन से कटेगी, ये बताना है। अब इतना बड़ा नंबर आप देख के पहले ही पसीना पसीना हो जाएगा भाई कि ये नंबर कैसे कटेगा, बिना भाग दिए तो मालूम नहीं चलेगा, और आपको भाग करना नहीं है क्योंकि समय नहीं होगा। तो ये तरीका आपको करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या तीन से पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए जैसे 97, 21, 65, 31, 27, 42 आदि। कैसे समझेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के लिए सभी दिखा दिया, चलिए एक एक ट्राई करते हैं कि तीन से विभाजित इसमें कौन है कौन नहीं है। तो अंकों का योग, अंक इसमें कौन कौन है? 9 एक अंक है, 7 एक, 3 एक अंक है, 7 एक अंक है, 2 एक अंक है। चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई? देखिए, 9 लिखा और धन, बगल में 3 है, फिर धन, बगल में 7, बगल में 2, जोड़ दीजिए। 9 3 12 और 12 7 19, 19 2 21। देखिए, 21 जो है तीन से कंप्लीटली कटेगा ना, 3 7 21, 0 से इस पल आएगा, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी तीन से कट जाएगी। और कटेगी कि नहीं कटेगी, हम इसको भी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे अभी तुरंत, बिल्कुल देर ना करते हुए। देखिए, ये तीन से कट जाएगी, पक्का कट जाएगी। ये 93 और 72 है, इसे तीन से भाग करिए तो 3 3 का ये 9, घटाया तो 0 आया, बगल में 3 था इसको उतार लो भाई, तो 3 1 कम 3 0 आया। अब बगल में क्या है? 7 है, ये 7 भी उतार लिया नीचे, तो 3 2 ना 6, घटाने में कितना आया? 1 आया। अभी 2 बचा है, ये 2 2 को भी लिख लिया, तो 3 चौक ये 12। आपने देखा कंप्लीटली कट गया तीन से ना, इसका मतलब ये नियम सही है। अगर वो संख्या जोड़ने के बाद जो उसका उत्तर आता है वो तीन से कटता है तो वो संख्या तीन से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दें, छोटा छोटा सा एग्जाम्पल जिसको आप लोग पराया जानते हैं, इसमें से कौन तीन से कटेगा? पहला है आपका 39, दूसरा है आपका 41, तीसरा है आपका 53 और चौथा है आपका, कौन तीन से कटेगा, कौन कौन कटेगा? देखिए, ये तीन से कट जाएगी सभी जानते हैं, क्यों? क्योंकि तीन में जब हम 4 9 जोड़ेंगे, यानी इस तीन में इस 9 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 12। 12 तीन से कंप्लीटली कटता है, इसलिए 39 तीन से कट जाएगी। आपको ऐसे देखना है बस, 9 3 12 होता है, भाग नहीं देना है कि 33 39 होता है इसलिए कटता है। इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 4 धन 1 इक्वल कितना हुआ? 5। 5 तीन से कटेगा पूरी तरह? नहीं कटेगा, इसका मतलब 41 तीन से नहीं कटेगी। 53 में आइए तो 5 में 3 जोड़ा क्या हो गया? 8। 8 कटेगा तीन से पूरी तरह? बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी कि ये भी क्या है आपका ऑप्शन, ये तीन से नहीं कटेगा, गलत है। ये कटेगा तीन से, कैसे? बिना भाग दिए हम जान लिए कैसे कटेगा, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे 7 में 3 और धन 2, 7 3 10 2 कितना आया? 12, तब भी आया ना, यानी कि 7 3 10 2 12, 12 तीन से कटता है पूरी तरह, इसका मतलब 732 भी तीन से कट जाएगी। समझ गए ना तीन से विभाज्यता नियम, आ गया सबको ना? तो चलिए रेडी हो जाइए फिर टेस्ट के लिए तुरंत ही, बिल्कुल देर ना करते हुए। सवाल नंबर फर्स्ट, उत्तर आपका होगा तुरंत, कौन सी संख्या तीन से
पूर्णतया विभाज्य है। देखिए वीडियो की क्वालिटी हम सुधार लेंगे बिल्कुल जल्दी से जल्दी, आप देखते होंगे काफी क्वालिटी आपको अच्छी मिल रही है। तीन से कौन सी संख्या विभाज्य है? पहला ऑप्शन है आपका 8, 4, 3, 2, ठीक है, समझ में आया। दूसरा ऑप्शन है 3 से कटेगी आपको बताना है। सभी लोग समझ गए होंगे, कोई ऐसा नहीं होगा जो समझा ना हो, सभी लोग समझ गए ना, ठीक है। तो आप लोग इस उत्तर को जरूर बताएंगे। और देखिए कुछ हमारे पर्सनल जो लोग हैं यानी कि फ्रेंड लोग हैं और भाई लोग हैं, उन लोग का कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा है, इसलिए आज हम सुबह के टाइम, आपने देखा होगा ये क्लास आगरा में है, तो आपकी लाइव क्लास इस वजह से नहीं चल रही बहुत लंबी, नहीं तो आपकी क्लास 40 मिनट की होती है। इन्हीं कुछ कारणों के कारण ये क्लास जो है आपकी बहुत छोटी होगी, इसके बाद आगे हम देखेंगे। जब क्लास आपकी अच्छे से चलने लगेगी तो 45 मिनट 90 मिनट की क्लास होगी, जल्दी से हम पूरा कोर्स खींच देंगे और आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो भाई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आपकी क्लास बहुत छोटी है, थैंक यू। उस क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में इसके आगे देखेंगे। आप लोग 3 का विभाज्यता नियम समझ चुके हैं, है ना। किसी को कोई कन्फ्यूजन है आप कॉल कर सकते हैं।